नमस्कार, मैं विकास मिश्रा, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिष्णुता अनुदेशक, समेकित क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन मोहन रोड लखनऊ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आया हूँ। विषय ये है कि कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए हमारी जो दृष्टि दिव्यांगजन भाई बहन हैं, वो चलिष्णुता में किन किन सावधानियों को अपनाएं जिससे कि वो इस महामारी से अपने आप को बचा पाए। सभी दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए चलिष्णुता बहुत ही आवश्यक है, और वो चलिष्णुता करते समय या तो किसी दृष्टिवान मार्गदर्शक का सहारा लेते हैं या स्वयं ही अपनी जो लॉन्ग केन है या फोल्डिंग केन है या स्मार्ट केन है उसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह आत्मनिर्भर होकर चलिष्णुता करते हैं। अब सबसे पहली बात है कि जब भी वो चलिष्णुता कर रहे हैं छड़ी की सहायता से, तो उनके पास ज्यादातर जो दृष्टि दिव्यांगजन है वो फोल्डिंग छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय फोल्डिंग छड़ी की अपेक्षा या फोल्डिंग छड़ी के स्थान पर वो लोग अगर लॉन्ग केन या लंबी छड़ी का प्रयोग करें तो वो ज्यादा श्रेष्ठतर होगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि फोल्डिंग छड़ी, फोल्डिंग केन मेरे पास है। फोल्डिंग केन कोई भी दृष्टि दिव्यांगजन अपने पास इसलिए रखता है क्योंकि फोल्डिंग केन का यूज करने के बाद वो उसको फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लेता है। यूज करते समय फोल्डिंग केन की जो टिप है वो जमीन से टकराती है, और जब वो उसको उस फोल्डिंग छड़ी को या फोल्डिंग केन को अपनी पॉकेट में रखता है तो ये टिप भी उसकी जेब में ही, मतलब उसकी पॉकेट में, उसकी पैंट में कहीं ना कहीं टच करती है, स्पर्श करती है। इसमें जो भी वायरस, अगर कोरोना महामारी का वायरस कहीं पे टच हुआ या किसी गंदी जगह पे ये टच हुई तो वो सारी चीजें हमारी पॉकेट में, हमारी जेब में, हमारी पैंट में लग सकती हैं। तो कोशिश करें कि फोल्डिंग छड़ी के स्थान पर लॉन्ग केन का प्रयोग करें। लॉन्ग केन आपके सामने है। लॉन्ग केन का सैनिटेशन आसान है, इसको अच्छी प्रकार सैनिटाइज किया जा सकता है क्योंकि एक लंबी छड़ी है, तो इसको अच्छे प्रकार से हम सैनिटाइज कर सकते हैं। इसकी अपेक्षा फोल्डिंग केन को सैनिटाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें देखिए आपको ये लास्टिक है, इस लास्टिक को किस तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा, फिर ये पार्ट हैं जो कि अलग अलग हो जाते हैं, फोल्ड हैं बीच में, इन फोल्ड के बीच में कुछ ना कुछ वायरस या बैक्टीरिया रह सकते हैं, तो इसको अगर सैनिटाइज उचित प्रकार करना है तो इसको पूरी तरीके से खोलना पड़ेगा और एक एक पार्ट इसको सैनिटाइज करना पड़ेगा। तो जरूरी है कि इसको अच्छे तरीके से हम अगर इसका यूज कर रहे हैं तो इसके लिए एक अलग पाउच रखें जिस पाउच में इसको फोल्ड करके रखा जा सके, और इसका सैनिटाइजेशन उचित प्रकार से करें, इसकी लास्टिक वगैरह सारा सब कुछ इसको सैनिटाइज करें। लेकिन जो लॉन्ग केन है उसका सैनिटाइजेशन आसान है, सैनिटाइज आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं लॉन्ग केन प्रिफर करूंगा। दूसरी चीज है, जो लोग स्मार्ट केन यूजर हैं, जो लोग स्मार्ट केन की सहायता से चलते हैं, स्मार्ट केन के इस उपकरण की सहायता से सोशल डिस्टेंसिंग को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि इसमें वाइब्रेशन के अलग अलग मोड्स हैं जो यह बताते हैं कि सामने आने वाला, सामने जो हमारे बैरियर है वो हमसे कितनी दूर है। इसमें दो डिस्टेंस मोड दिए गए हैं। पहला डिस्टेंस मोड है 3.2 मीटर का, मतलब 3.2 मीटर की दूरी पर आने वाले बैरियर को ये वाइब्रेशन के डिफरेंट पैटर्न के माध्यम से बता देती है कि वो चीज हमसे कितनी दूर है। दूसरा मोड है 1.8 मीटर, अर्थात 1.8 मीटर। अगर 1.8 मीटर की दूरी पर कोई बैरियर है तो यह डिफरेंट वाइब्रेशन पैटर्न के माध्यम से हमें बता देगा कि सामने जो बैरियर है, जो बाधा है, वो हमसे कितनी दूर है। अर्थात हम इस उपकरण की सहायता से भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ही वाइब्रेशन लगा हम उस
चीज से अपना डिस्टेंस बना लें। अगर ये उपकरण आपके पास नहीं है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का सिर्फ एक ही साधन है और वो है साउंड। आप जिस व्यक्ति की, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है तो आप उसकी साउंड जैसे ही सुनते हैं वैसे ही कोशिश करें कि उस साउंड के माध्यम से अपने आप को उससे दूर करने का प्रयास करें, उस डिस्टेंस को मेंटेन करने का प्रयास करें, तो शायद सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जा सकता है। कुछ लोग जिनके पास फोल्डिंग केन और लॉन्ग केन दोनों हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि चलने के लिए लॉन्ग केन का प्रयोग कर सकते हैं। फोल्डिंग केन को रखते हुए आप क्या कर सकते हैं कि फोल्डिंग केन की सहायता से किसी भी दृष्टिवान मार्गदर्शक के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए चलिष्णुता कर सकते हैं। कैसे? आपके पास केन है, आप क्या करेंगे, केन का एक सिरा इस तरीके से दिव्यांग व्यक्ति इस तरीके से पकड़ेगा और सामने की तरफ जो दूसरा सिरा है वो दृष्टिवान मार्गदर्शक उस सिरे को पकड़ सकता है। आपने इस छड़ी का प्रयोग नहीं किया है, बिल्कुल नहीं है, अर्थात प्रॉपर तरीके से ये सैनिटाइज है या आप इसमें सैनिटाइजेशन का भी यूज कर सकते हैं। छड़ी साफ है इसलिए दृष्टिवान मार्गदर्शक उसको पकड़कर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकता है। अब देखिए उस सिरे से और इस सिरे तक दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सकता है। कुछ और बातें, अगर किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है तो कोशिश करें कि वो रेलिंग आदि को स्पर्श ना करें। रेलिंग हो गया, ब्रेल साइनेज हो गए, इनको दीवार हो गई, इनको किसी को यूज टच ना करें, क्योंकि टच करने से हो सकता है कि कोई ना कोई वायरस या बैक्टीरिया वो आपकी हाथों में लगे और हाथ में लगने के बाद आपको इन्फेक्टेड कर दे। तो कोशिश करें कि किसी चीज को टच ना करें और छड़ी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। हो सकता है कि वहां पर टैक्टाइल पाथ हो, उस टैक्टाइल पाथ के द्वारा चलने का प्रयास करें और जो भी रेलिंग है या जो भी साइनेज है उनको स्पर्श करने से बचें। तो यह सावधानियां अपनाकर एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे द्वारा दिए गई सलाह आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगी, इसे जरूर प्रयोग में लाएं। इसी के साथ मैं अगले भाग में फिर किसी विषय के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।